एक बार एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रमेश, उसकी पत्नी मीना और दो बच्चे थे। दिवाली आने वाली थी और उनके घर में कुछ भी न था। वहीं रमेश का काम भी छूट गया था। फिर रमेश की पत्नी बोली, सुनिए जी, हमारे दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब स्कूल जाने की जिद करते हैं। बोलते हैं गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ मुझे भी स्कूल जाना है और दिवाली भी आ गई है और मुझे पटाखे चाहिए। ऐसे ही दोनों बच्चे मांगते हैं, कहाँ से ला कर देंगे। फिर रमेश बोला, ठीक है, कल ही मैं काम ढूंढने जाऊंगा और देखूंगा कहीं मिलता है कि नहीं। फिर अगले दिन रमेश काम ढूंढने निकल जाता है और उसको कहीं भी काम नहीं मिलता है। फिर उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं। यही सोच रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और उसको बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो। फिर रमेश अपनी सारी बात उस आदमी को बताता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसको एक पोटली देता है और बोलता है कि बेटा, इसको अपने घर के अंदर रख देना और इससे जो भी मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर रमेश घर आता है और घर आकर अपनी पत्नी मीना को सारी बात बताता है। फिर रमेश पोटली रख देता है और बोलता है, मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए। फिर तुरंत ही उस पोटली से बहुत सारे पैसे निकलकर बाहर आते हैं। फिर रमेश उन पैसों से बाजार जाकर अपने बच्चों के लिए बहुत सारे पटाखे और मिठाई लाता है। फिर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं।